हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि किस तरह से ग्रेविटेशन के अंदर अलग अलग थ्योरीज आई थी, कि जियोसेंट्रिक थ्योरी आई और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ग्रेविटेशन के अंदर की ग्रेविटेशन होता क्या है और इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया था और ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था। तो जो न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था, वो एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठकर बुक पढ़ रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि एप्पल उसके ऊपर गिरा। तो उसके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो उसके इस थॉट की वजह से ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे एप्पल नीचे की तरफ गिरा, हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस चैप्टर में कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि अगर एप्पल नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। न्यूटन ने ये बात बोली थी। जो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इसने बताया था कि वो एप्पल नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो इसके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि जो थर्ड लॉ इसने दिया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर अर्थ एप्पल को नीचे की तरफ खींच रही है तो जो एप्पल होगा वो भी तो अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, फिर अर्थ के अंदर मोशन क्यों नहीं होती। तो ये इसका डाउट था यहाँ पे। और इसके डाउट को क्लियर कैसे किया गया कि जो अर्थ का मास है वो इतना बड़ा है, इतना हैवी मास है कि जो एप्पल होगा उस अर्थ को जब अपनी तरफ खींचेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि अर्थ के अंदर मोशन हुई भी है या नहीं, क्योंकि एप्पल का मास बहुत कम है और अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या बताया था कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद सम फोर्स, और वो जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने कोई भी दो बॉडीज ली, दो हाउस कंसीडर कर लिए। अब जो ये दो हाउसेज हो गए वो भी एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे विद सम फोर्स। अब अगर मास ज़्यादा है, कोई एक पर्सन है उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो वो दूसरे पर्सन को हैवी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके बजाय अगर वो छोटा सा किड है, छोटा सा बच्चा है, तो उसका फोर्स मास कम हो गया, मास कम हो गया तो वो दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद लेस फोर्स। इसलिए हम बोलते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम वन के, और इसी तरह से हम बोलेंगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम टू। जितना ज़्यादा मास सेकेंड बॉडी का होगा उतना ही ज़्यादा वो भी फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पर हो गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टू। थर्ड फैक्टर है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्केयर। अब ये डिस्टेंस क्या, जैसे यहाँ पर हमने ये दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किए तो इनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या माना है, आर कंसीडर किया। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी इनके बीच में उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, कम होगा, दोनों में अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। और जितनी कम डिस्टेंस होगी इनमें, अगर डिस्टेंस कम होती जाएगी तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा। इसलिए हमने इसको बोल दिया फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्केयर। तो जब हम तीनों फैक्टर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर हम बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। g को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसका हमने दूसरा नाम दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जो ये जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। तो जी की वैल्यू कितनी होगी, 6.67 इंटू 10^-11। अब यूनिट कैसे निकालेंगे हम इसकी, जी यहाँ पर जी को एक साइड में रखो और बाकी सारे फैक्टर्स को दूसरी साइड लेकर जाओ। आर स्केयर इस साइड डिनोमिनेटर में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में। एम वन एम टू यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से जी की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आएगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन,
आर की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और मास की यूनिट होती है किलोग्राम। दो बार मास है तो हम क्या लिखेंगे, किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसमें जो यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसमें बस यही बताया गया कि यूनिवर्स के अंदर दो ऑब्जेक्ट है, वो हर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर ऐसा है, दो ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो जो ये दो हाउसेज है ये कोलाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या होगा। जो ये हाउस है या फिर यहाँ पर हम कोई भी और बॉडी कंसीडर करते हैं, उस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा, और वेट किसकी वजह से होता है, जो अर्थ होगी उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जो भी बॉडी हमने यहाँ पे कंसीडर की है उस बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो एक तो फोर्स ये लगा रही है अर्थ, और एक फोर्स लगा रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो दूसरा फोर्स हो गया ये वाला। तो इस टाइम पे जो अर्थ ने फोर्स लगाया वो क्या है, ग्रेटर है इस दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि अर्थ का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते। अब यहाँ पर जो ये यूनिवर्सल वर्ड है, यूनिवर्सल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, यूनिवर्सल वर्ड का मीनिंग है कि वो पूरे यूनिवर्स के अंदर एप्लीकेबल होती है, चाहे हम कहीं पर भी चले जाएं, हर जगह पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। हर एक कंट्री के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यही होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।